किससे मिलना है? सीमा जी से और उनके पति सचिन मीणा जी से। अब यहाँ पता लगे कि उनके स्वास्थ्य खराब है, वो स्वास्थ्य एडमिट है कहीं हॉस्पिटल में। वो 6-7 दिन से उनसे पूछताछ चल रही थी ना, तो थोड़ी दिक्कत सी आने लगी, तो वो बाहर जा रही थी, तो फिर उनको यहाँ पे लेके आए दवाई, तो फिर वो हॉस्पिटल ही चली गई। तो आप सीमा से मिलने उतना दूर से क्यों आए? सीमा का स्वागत तो जब ही करें, केवाल लगा रखी है। मुलाकात नहीं हुआ? नहीं, कहाँ है अब हमें क्या पता कहाँ है। अब सवेरे भी गए तो बीमार है और 24 घंटा परेशान करती रही। बीमार हो गई है वो? बीमार कही, बीमार बता रहे। हाँ, इतनी जासूस होती तो 4 बच्चों को लेकर नहीं आती, 4 बच्चे भी तो साथ हैं। वो तो कह रही है मुझे सजा दे दो, लेकिन वहाँ पे मत भेजो। बोल रहा है जो मुसलमान है ना, वो लोग बोल रहा है जो जासूस है, जो मुसलमान लोग है उसको थोड़ा बहुत डाउट है। अगर जासूस होती तो वो बच्चों को क्यों लाती, बच्चों को मरवाने के लिए लाती? सचिन का घर अभी यहाँ पर देखिए कि बंद है और अभी सीमा हैदर बाहर गई हुई है सचिन के साथ। इतने मतलब बॉर्डर पार करना आना तो इस लेडीज की हिम्मत का काम है, हिम्मत का काम है, बहुत अच्छी हिम्मत समझते हैं इसकी हम। तो वापस नहीं भेजेंगे, नहीं वापस। वो अपने काम कर रही है बड़ी सरकार, हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। अगर ये कोई कैसी गलत सलत है तो अपने आप देखेंगे हमारी सरकार। हो सके खुफिया हो, कोई राय लेने आई हो, किसी से मिली हुई हो। तो क्या लग रहा है दोस्त, कब से मुलाकात हुआ सीमा हैदर से आप लोग का? आज तो नहीं हुआ, पहले हुआ। हाँ, रोज होती रहती है, रोज होती रहती है। वो 6-7 दिन से उनसे पूछताछ चल रही थी ना, तो थोड़ी दिक्कत सी आने लगी, तो वो बाहर जा रही थी, तो फिर उनको यहाँ पे लेके आए दवाई, तो फिर वो हॉस्पिटल ही चली गई। कौन कौन गया साथ में? सचिन और वो ही देखी मैंने, तो दो ही लोग गए। तो भाई साहब बात कर लीजिए प्लीज। तुम लोग भी पबजी खेल रहे हो? नहीं, मेरे में तो है पबजी। नहीं नहीं है यार, मैं डाउनलोड करो कर ली नो करी सीमा भाभी, कर लेना तुम। क्या बोली सीमा भाभी? नो कर लेना डाउनलोड। मैं ठीक है, तो पबजी क्यों डाउनलोड किया आप लोग? खेलने के लिए। अरे यार है ना यार, तू ऐसे क्या सचिन भाई ने जिस तरीके से कमाल किया वही करोगे क्या? अरे काहेकू, मेरे तो साथ दिया गया, मुझे जरूरत ना है, मुझे जरूरत ना है। स्वागत में क्या बोलेंगे सीमा हैदर के स्वागत में, आप लोग क्या कहिएगा? खुश हैं? खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं, हम तो इतने खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत। कुछ लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जासूस भी हो सकते हैं। नहीं, वो तो बस बोलते हैं, बोलन दो। वो लोग बोल रहा है जो मुसलमान है ना, वो लोग बोल रहा है जो जासूस है, जो मुसलमान लोग है उसको थोड़ा बहुत डाउट है, जो वो मुसलमान लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। अगर जासूस होती तो वो बच्चों को क्यों लाती, बच्चों को मरवाने के लिए लाती? अगर जासूस होती तो क्यों लाती बच्चों को? तुमको नहीं लग रहा कि जासूस? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। हम तो खुश हैं, खुश हैं, वो आई हैं भाभी हमारी। आइए साहिल जी, आप इसे रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से सचिन का घर अभी यहाँ पर देखिए कि बंद है और अभी सीमा हैदर बाहर गई हुई हैं सचिन के साथ दवा लाने गई हुई हैं, जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं। अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से यहाँ क्यों आए आप? हम सीमा को देखने के लिए आए, पूरा फोटो खींच लें। कितना लंबा है ये? दो फुट लंबा है। कितना फीट? दो फुट इधर। तो आप सीमा से मिलने उतना दूर से क्यों आए? सीमा से के वहाँ पे वायरल रह रही तो हम यहाँ देखने आए, चले आए। और हम पेशावर क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है सीमा का स्वागत करेंगे आप लोग? सीमा का स्वागत तो जब भी करें, केवाल लगा रखी है। मुलाकात नहीं हुआ? नहीं, कहाँ है अब हमें क्या पता कहाँ है। फिर दोबारा लौट जाएंगे आप? लौट कर जाएंगे ना? अब तो हम जाएंगे। पाकिस्तान दोबारा भेजोगे आप लोग सीमा हैदर को अगर बोला जाएगा तो? पाकिस्तान अब तो प्रधानमंत्री और इनके ऊपर बात है, ये तो क्या करेंगे ये तो। अगर सीमा राजी है और ये सब राजी है तो यार रहने दो। हम तो भाई साहब यहाँ से चिंगरावली से, क्या कहेंगे सीमा हैदर पाकिस्तान से जो आई है? अच्छी बात है आई है तो अब तो पता चले क्या हो क्या ना हो। अभी तो हमने नहीं देखा, हम तो आए हैं अभी। आप लोग देखने आए सीमा हैदर? देखने आए थे। क्या लगा कि देखने आ गए आप लोग? नहीं, देखने आ गए, अब चलें, ज़्यादा फेमस है तो देखें जाके क्या है क्या नहीं। मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई। अभी तो मुलाकात नहीं, अभी तो आए हैं बिल्कुल। अभी आए हैं जी।
जो खबरें चल रही है कि कहीं जासूस एजेंट वगैरह ना हो, तो आप लोग पड़ोसी हैं तो डर वर तो नहीं लग रहा? ना, हमें कोई डर नहीं है जी, हमें कोई डर नहीं है, होगी तो देखा जाएगा बिल्कुल। तो क्या वो अगर पाकिस्तान वाले बुला रहे हैं तो भेजोगे आप लोग? ना ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं भेजेंगे, वापस नहीं भेजेंगे सर, आप लोग वापस नहीं भेजेंगे, नहीं वापस, क्योंकि देखिए पाकिस्तान वाले जो हमको लगता है जो कि ये लौट के जाएगा ना, क्योंकि इसको पाकिस्तान वाले सब हमको रहने ही नहीं देंगे। अभी तो नहीं, हम तो बिहार से आए हुए हैं, बिहार से देखने आए, बिहार आए से देखने, इसको बिहार से आए देखने के लिए, यूपी आए हैं बिहार से, मतलब कि रबूपुरा आप सीमा हैदर को देखने? हाँ, हम मेरा बांका जिला डिस्ट्रिक्ट है, हम बांका जिला से आए हैं यूपी। अब जब दिल मिल गए दोनों के तो आ गई हो। आपका नाम क्या है पहले जानेंगे हम? अनीसा। अनीसा, तो दिल मिल गए तो, लेकिन इतना दूर से चार बच्चों को लेकर आ गई, इतनी तो केड़ा ही है, बहुत केड़े उत्साही होगी। हाँ, इसकी हिम्मत है लेडीज की, इतने मतलब बॉर्डर पार करना आना तो इस लेडीज की हिम्मत का काम है, हिम्मत का काम है, बहुत अच्छी हिम्मत समझते हैं इसकी हम तो। पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान की बन के रह ले। यहाँ आने के बाद उन्होंने धर्म भी बदल लिया, और जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलत भी हो सकती है, जासूस भी हो सकती है, लोग पूछ रहे हैं। देखो ये तो जांच होगी उसकी, जब ही मालूम पड़ेगा गलत की और सही की। तो प्यार के मामले में? हाँ, प्यार के मामले में आई है, जब सब दुनिया सुन रही है, आपको भी दिख रहा, प्यार के ही मामले में किसी चली आई यहाँ पे, चार बच्चों को साथ लेकर, बच्चों को साथ लेकर आई है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कहीं जासूस भी हो सकती है, रॉ एजेंट भी हो सकती है? देखो जी, यह बात की तो हमें जानकारी ना, लेकिन पर यह चीज ना कह सके हम। स्वागत करेंगे आप लोग है? स्वागत कर रहे हैं? हाँ, स्वागत करने के लिए, देखने के लिए आए, स्वागत ही कर रहे हैं, अभी स्वागत ही कर रहे हैं। इधर आ जाइए आप, अभी स्वागत ही कर रहे हैं। कैसे स्वागत कर रहे हैं? और का यही तो स्वागत है, आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, स्वागत हो रहा है। पब्लिक आ रही है, कहूंगा कि तुम जैसे मीडिया वाले और भी आ रहे हैं, खुशी का माहौल है, खुश हैं आप? खुश हैं जी, खुश हैं, बिल्कुल। जानकारी तो कुछ भी ऐसी ना है, पर हमने तो अभी पता लगी, जैसे चार छः दिन में वैसे रहते हो गए, बहुत दिन आते रहेंगे कहीं है कहीं बाहर। हाँ हाँ। पर हमें तो अभी पता लगी, जैसे पुलिस ने पकड़ा दखरी भाई है कि वो वहाँ थे पाकिस्तानी है, तो जब हमें तो पता लगी, हमें तो जानकारी ना है वहाँ के बारे में। मिली जाकर आप? मिली कहा, मीडिया वाले मिले नहीं ना दे रहे, वो जाए तो भीड़ लग जाए, अब सवेरे भी गए तो के बीमार है और 24 घंटा परेशान करती रही, तो बीमार हो गई है, वो बीमार कहीं बीमार बता रहे हैं, हमें तो जानकारी है ना। हाँ। बाहर थे हम तो लौटा दे के बीमार है, तुम क्या करोगी, तुम तो गाँव की देख ही जाओगी, ऐसा करके फिर हम तो लौटी आए। क्या लगता है कहीं जासूस वसूस हो, पड़ोस में रह रही हो, कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, ऐसी तो कोई लग ना रही। कैसे जासूस है मतबल? हाँ, इतनी जासूस होती तो चार बच्चों को लेकर नहीं आती, चार बच्चे भी तो साथ हैं। वो तो कह रही है मुझे सजा दे दो, लेकिन वहाँ पे मत भेजो, नहीं जाना चाहिए। नहीं नुकली, लेकिन मर जाऊंगी वहाँ पे, नहीं जाऊंगी, जो भी सजा देनी है यहीं पे दे दो, पर लेकिन वहाँ पे नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे हैं, मेरे तीन बेटी हैं, मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी वहाँ पे जाऊंगी तो। प्यार में तो अब लोग बाग जन कहाँ कहाँ आ जाए, मैं ये तो बॉर्डर सर समुंदर पार करके आ जाओ, बताओ हम कहेंगे, हम बताओ। आप लोग गांव के लोग हैं तो इस पर क्या कहिएगा? आप यूँ बताओ, जब लाए हो तो भैया है तो काई की बेटी, तुम्हारी शरण में आई तो वाकई हिफाजत करो, चोर निकले वो चक्का निकले कैसी निकले तो सरकार काम वो देख रही है, जांच कर रही है, वो अपने काम कर रही है, बढ़िया सरकार। हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, अगर ये कोई कैसी गलत सलत है तो अपने आप देखेगी हमारी सरकार। आप लोगों को क्या लग रहा है भाई साहब, जो पाकिस्तान से महिला आई है क्या कहेंगे? आने को आ गई, पहले दी सबसे पहले इसकी जो समस्या है गहराई से इसकी जांच हो। क्या समस्या हो सकता है? हो सके खुफिया हो, कोई राय लेने आई हो, किसी से मिली हुई हो, यहाँ पे कोई घटना घट जाए, या हमारे जैसे मान लो मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कोई घटना बन जाए, देश के लिए घटना बन जाए, तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। बहुत सारे अधिकारी बोल रहे हैं कि एजेंट भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा होता तो पकड़ी जाती अब तक, सरकार छोड़ती को ऐसे जेल से, फिर अगर जो एजेंट होती छोड़ती को, ऐसा ना कुछ भी। यहाँ मिलने के लिए आया हूँ, और किससे मिलना है? सीमा जी से और उनके पति सचिन मीणा जी से। अब यहाँ पता लगे कि उनके स्वास्थ्य खराब है, वो स्वास्थ्य एडमिट है कहीं हॉस्पिटल में, यहाँ के पता लगा तो आप लोगों के सारे से बातचीत हो रही है, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ। कितनी दूर से आए हैं आप? मैं यहाँ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी से आया हूँ।